गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक मस्ती वीडियो में। आज अपन कर रहे हैं इसको शुरू। आज अपने पास एक RC 200 है जिसपे आप राइड मारेंगे बढ़िया सी। आज मुझे मेरी आईज में प्रॉब्लम हो रही है बहुत खतरनाक, और लाल भी हो रही है, बट फिर भी एक राइड मारने, क्योंकि तुम जानते हो मैंने एक रूटीन मारा खुद का कि रोज एक वीडियो डालनी है। तो आज मेरी साथ थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, तुमको आवाज़ से भी लग रहा होगा, बट फिर भी एक राइड मारेंगे भाई तुम्हारे लिए। तो चलो जिससे निकलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर आपको बाइक। तो मैंने सोचा आज इस पर एक राइड मारते हैं प्यारी सी अपनी RC पे। ये भी अपने दोस्त की है, मैंने सोचा कि एक RC पे राइड मारते, क्योंकि बहुत को ड्रीम होता है RC खरीदना। तो मैंने सोचा भाई RC के अंदर मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है इसकी, इतनी मतलब कि हाई मेंटेनेंस है बाइक का, फिर भी लोग इस RC को क्यों चूज़ करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ भाई कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। राइडिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है, बट ये कि थोड़े नीचे होकर चलना होनी पड़ती है। तो अपने मतलब कि जो सिटी के अंदर है ना, मैं बहुत कम वो करता हूँ व्लॉगिंग, क्योंकि ये तुमको पता है भाई यार इधर कितने प्रॉब्लम्स होती है सिटी के अंदर। पहली बात तो पुलिस वाले, क्योंकि जब डिफरेंट से अलग ही दिखता है ना, तो वो दिक्कत है। और बताइए इस चीज़ में बाइक में सबसे बढ़िया क्या है, इसका जो पीछे वाला बंदा है ना भाई, वो पीछे से पूरा रोड देख सकता है आगे का। बहुत ऊंची गाड़ी है अपनी RS जो है ना, वो थोड़ी नीचे है पीछे से और ये ऊंची है। तो मतलब कि आज मतलब कि जो दोनों में पावर है वही, दोनों में 2 CC का इंजन है, दोनों के अंदर दम तो वही है दोनों में। बट मेरे को तो मेरी डिफरेंट लग रही है चलाने में, और ये डिफरेंट लग रही है, डिफरेंस लग रहा है बहुत। अब देखते हैं क्या होता है, मतलब कि कितनी पावर आती है। इसके बाद में आपको इसकी रेस की वीडियो मिलेगी, जो कि बहुत ही वो आ रही है, मतलब कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई इसकी रेस की वीडियो ले जाओ, रेस की वीडियो ले जाओ, KTM 200 वर्सेज अपनी RS 200। तो उसके बाद में अपन को वीडियो मिलेगी। इसके बाद में ब्रेकिंग व्रेकिंग सब एक नंबर है इसकी, वही RS जैसी ब्रेकिंग है इसकी भी, नहीं मतलब कि हाई मेंटेनेंस है बाइक का, फिर भी लोग इस RC को क्यों चूज़ करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ भाई कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। राइडिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है, बट ये कि थोड़े नीचे होकर चलना होनी पड़ती है इस बाइक को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, पर मतलब कि जो मतलब कि फील आता है ना, वो इसके अंदर भी वही RS के अंदर भी वही फील आता है, बट ये थोड़ी डाउन है पर वो थोड़ी अप है, वरना बाइक तो एक नंबर है ये भी। पर यहाँ सिटी से निकले फिर बाहर चलाएंगे अपन, जैसे मतलब इसका इतना सा सिस्टम है, इतना कि छोटा सा बताने का, बट ये सब कुछ बता देता है। जैसे गियर शिफ्टर बता देता है ये, और गियर शिफ्टर और तो सब सीख है, इसे गियर शिफ्टर बता देता है ये, और कितने का माइलेज दे रही है वो बता देता है। मेरी गाड़ी में ये नहीं बताता गियर शिफ्टर, ये सब चीज़ें नहीं बताता, बट इसके अंदर ये एक चीज़ फ़ायदा है कि ये सब चीज़ें बता देती है। तो कुछ चीज़ अच्छी है KTM की भी, और कुछ चीज़ RC की भी अच्छी है। तो कंपैरिजन तो दोनों के अंदर होता है, मतलब कि सब चीज़ सारी चीज़ें अच्छी तो कि एक बाइक के अंदर होती ही नहीं है, मतलब कि कितना ही देख लो कुछ ना कुछ खराबियाँ तो उसके अंदर भी होगी। आ चुके हैं हाईवे पे अपनी KTM RC 200 के साथ, कराएंगे आज अपनी RS 200 और RC 200 की रेस भी कराएंगे। इसके बाद वाली वीडियोस के अंदर आपको दिखेगा कि अपन दोनों की रेस करवाई है। तो स्टे ट्यून, स्टे टुगेदर, और जिसका चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, इस पर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती है, और मतलब कि मोस्टली तो ड्रैग रेस की वीडियो आती है। ये रही अपनी RS 200 और ये रही अपनी RS की। कुछ चीज़ें अच्छी लगती है मुझे कि RC, जैसे कि इसका सिटिंग पोस्चर है मेरे को डाउन है, और 2-3 चीज़ें जैसे कि ये गियर शिफ्टर बताती है इसके अंदर, और जो अपनी RS है उसके अंदर गियर शिफ्टर नहीं बताता, ये माइलेज बताती है कितने माइलेज का दे रही है। तो इसकी भी कुछ चीज़ें अच्छी है, और जैसे सबसे बेस्ट तो ये कि गियर बता देती है कि कौन सी गियर में चल रही है, अपनी RS नहीं बताती यार गियर नहीं बताती यार गियर। RS बजाज को भी एक वो देना चाहिए, अपना एडिशन देना चाहिए जिसके अंदर यार अपने गियर शिफ्टर बताए और ये माइलेज बताए, जैसे अपने वाले बाइक में बताता नहीं है। तो यार ये चीज़ें कुछ क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार एक राइडर के लिए, क्योंकि उसको पता रहना चाहिए कि मतलब जैसे अपनी गियर निकालने बैठे भाई इंसान, उसको पता रहेगा यार कौन सी गियर में किस गियर में, उसमें तो अंदाजा होता है बस, वो न्यूट्रल हो जाती है जब लाइट जलती है उसके अंदर, और ना कुछ माइलेज का पता लगता है। उसके अंदर तेल डलाओ 1 लीटर और फिर 1 लीटर डला के तेल और फिर टेस्ट करो, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें खराब है उसके अंदर, बाकी जो सब एक चीज़ नंबर है उसके अंदर भी, और इसके अंदर भी सब कुछ बढ़िया ही है। अब जो इसके बाद वाली वीडियो होगी भाई, वो बहुत टक्कर की रेस होगी, क्योंकि दोनों के अंदर 200 CC का इंजन है। तो जो वीडियो होगी इंटरेस्टिंग होगी, तो देखना इसके बाद में जो वीडियो आएगी। अपने चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, चैनल को मार दो, ठोक दो बेल आइकन को भाई, तोड़ दो भाई। अपन एक अच्छे से रूट पे जाएंगे, वहाँ जाके रेस करेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ तो रेस कर नहीं सकते इसकी। पुलिस अंकिल, पुलिस अंकिल, पुलिस अंकिल, चेकिंग कार पुलिस, पूरा गाड़ी खोल के पटक दी बेचारे की। पता है मतलब कि इन दोनों बाइकों के अंदर डिफरेंस क्या है, कि ये जो बाइक है ना ये थोड़ी प्लास्टिक वाली होती है, मतलब कि इसकी जो बॉडी होती है ना मोस्टली प्लास्टिक की होती है, और जो अपनी RS है ना वो तो मतलब कि मोस्टली ज़्यादा स्टील और उसके अंदर आयरन का यूज़ किया गया है। तो ये जो गाड़ी है ना ये थोड़ी हल्की होती है, और वो अपनी वाली गाड़ी ना थोड़ी भारी होती है, बस यही वेट इसके अंदर डिफरेंस है, और तो कुछ भी नहीं। ये वाली थोड़ी हल्की है, वो वाली थोड़ी भारी है, बट मतलब कि जो भक्ति है ना दोनों एक जैसी भक्ति है, और दोनों का टॉर्क भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो उसका थोड़ा इसका थोड़ा टॉर्क ज़्यादा, इसको RS का अपना टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा टॉर्क कम है, बट तुमको पता ही है इसके अंदर यूज़ ज़्यादा प्लास्टिक का किया गया है। तो वो तो आगे जाके रेस में पता लग गया क्या डेट निकलता है इसके अंदर अपना, क्योंकि अभी तो कुछ बता नहीं सकता ना इसके अंदर कि क्या रिजल्ट निकलेगा रेस का। तो तुम ज़रूर देखना इसके बाद वाली वीडियो,
इंटरेस्टिंग है वीडियो इसके बाद वाली, क्योंकि बहुत उसके अंदर होती है भाई कि उसकी वीडियो लेके आओ, आरसी और आरएस की वीडियो लेके आओ, क्योंकि दो इस सेगमेंट के अंदर 200 सीसी के दोनों इनके अंदर ही आते हैं मोस्टली, और दोनों फुल फेयरिंग बाइक है, तो फिर क्या है थोड़ा रेस का तो ना अच्छे से परफेक्ट पता लग जाता है कि दोनों के अंदर कितनी पावर है। तो बहुत डिमांडिंग वीडियो है, तो होपफुली जो अपनी वीडियो आएगी वो थोड़ा अच्छा जाएगी, अच्छी व्यूज़ लेके आएगी, 1K तक तो व्यूज़ जाएंगे यार उसके, अपने 500-600 व्यूज़ तक जाकर रुक जाती है। और देखते हैं लेट्स सी कि इस पे कितने व्यूज़ आते हैं इस वीडियो पे। हमारा सपोर्ट चाहिए भाई, अपन ने अभी हाल फिलहाल अपने 1000 सब्सक्राइबर अपन ने गेन किया अपने चैनल पे, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यार अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 लोगों की फैमिली हो गई अपनी, तो बहुत अच्छा फील होता है, खुद को भी प्राउड फील होता है कि बहुत जल्दी अपन ने 1000 सब्सक्राइबर कर लिया अपने चैनल पे। अब तो 1050 हो चुके हैं 2 दिन के अंदर, वैसे धीरे धीरे बढ़ते रहे, अब तो मज़ा आ जाए भाई। तो आगे चले गई है, मेरा इसको भगा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने इस गाड़ी को अभी मतलब कि अभी भी उठाई है, तो इस पर हाथ ही बैठा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। अभी 5th गियर में चल रही है ये भी, वही पावर है इसके अंदर आरएस और इसके अंदर की, ये जो 5th गियर के अंदर है, 5th नहीं 4th गियर, 3rd या 4th गियर के अंदर 100+ कर लेती है गाड़ियाँ दोनों के अंदर, मतलब पावर तो सेम सी, बस थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा उसका, और टॉर्क ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ी वेट कम है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला रेस के अंदर, जो भी रेस होगी टक्कर की होगी, लेट्स सी क्या क्या निकलता है रिजल्ट। दोनों गाड़ी नहीं है, ये भी गाड़ी नहीं है, कोई पुरानी नहीं है भाई की, वो तो आगे जाके पता चलेगा गाइस कि क्या रिजल्ट निकलता है अपने दोनों बाइकों का, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अपने को, अपने 2 महीने हुए हैं बाइक को, और इसको 3-4 महीने होंगे लास्ट, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। बट जो भी टक्कर होगी ना, और टक्कर तो अच्छी होगी क्योंकि बराबर की टक्कर होगी, दोनों 200 सीसी के सेगमेंट की बाइक से है दोनों। फाइनली गाइस अपन बहुत आगे आ चुके, अपना ट्रैक भी आने वाला है, तो तुम देख लो भाई मेरे को, मतलब कि ट्रैक रेस लगाने के लिए मुझे मेरे मतलब कि जो मेरी विलेज है, सिटी है मेरी, वहाँ से इतना दूर आना पड़ता है भाई, क्योंकि बहुत डिमांडिंग में रहती है भाई तुम्हारी ट्रैक रेस लगाओ भाई, तो डिमांडिंग वीडियो के लिए मेरे को यहाँ तक आना पड़ता है, और सिर्फ ट्रैक के लिए, जो कि अभी हाल फिलहाल तो बाइकों के लिए ओपन है, बट उसके बाद भी वो बंद हो जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ जितनी भी ट्रैक रेस है तुम्हारी डिमांड्स है उसको मैं पूरी कर दूँ उससे पहले, तो इसलिए मैं इतना दूर आता हूँ यहाँ पर सिर्फ ट्रैक रेस लगाने के लिए, कि जिससे लोगों की डिमांडिंग वीडियोज़ है कि भाई ट्रैक रेस मारो इसके साथ ट्रैक रेस करो, R5 KTM RC जो भी तुम बोलते हो ना भाई, मैं वो गाड़ी का इंतजाम करता हूँ कहीं ना कहीं से, और वीडियो बनाते हैं अपन और ड्रैग रेस मारते हैं। तो ये अपन अपने हाईवे पे आ चुके हैं, दिल्ली मुंबई हाईवे पे, तुमको पता है यहाँ पे अपन ने कितनी वीडियोस निकाल दी भाई, इस हाईवे ने बहुत साथ दिया है भाई मेरा, इसके ऊपर ही मैंने बहुत सारी वीडियोस निकाल दी, तो अच्छा लगता है कि चल ठीक है यार अपना काम बन रहा है इधर से, वरना मैं इन रोडों पर तो कभी ड्रैग रेस नहीं मारूँ, अभी ये चला नहीं जैसे चलो ड्रैग रेस कर लेते हैं, वरना तभी चल जाएगा ना भाई, उसके पास तो बाइक अलाउड ही नहीं है इस हाईवे पे, कार की लिमिट सी 120 रखी गई है, बाइक को तो अलाउ ही नहीं किया भाई, तो जब तक ये चल रहा नहीं रहा जब तक तो मार लेते हैं ड्रैग रेस, और जब तक होगा जब तक देख लेंगे भाई। तो फाइनली अपन एंटर कर चुके हैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे, यहाँ दिल्ली 500 मीटर आगे टान लेंगे, तो अपन फाइनली दिल्ली मुंबई हाईवे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे ड्रैग रेस मारेंगे अपनी बढ़िया सी, यहाँ पे अपन ने लीन भी मारी है, तुमको पता है इस पर मैंने वीडियो बनाई, तो भाई यहाँ पे वो लीन्स वगैरह मारता था, तो इस पर भी अच्छा तुमने प्यार दिखाया, तो भाई ऐसे गाइस प्यार दिखाते रहो, अपना चैनल ग्रो करता रहेगा, और मैं हमेशा खुद का चैनल नहीं बोलता भाई, अपना चैनल बोलता हूँ, क्योंकि अपना सबकी है भैया चैनल, तुम्हारा प्यार वजह से आज तुम्हारा भाई 1000 सब्सक्राइबर हिट करके पाया था, तो मैं ऐसा प्यार बनाए रखना गाइस, और होपफुली तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अ डे विद दिस बीस्ट, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं गाइस कोई मस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इसके बाद वाली वीडियो ड्रैग रेस आएगी अपनी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है, तो गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप दिल लव मेंटेन, और बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। देखो अगर टॉप 144 गई थी, टॉप 2 में देखा था, और ये कितना टॉप जाती है।